Am I audible? Please reply. I'll start my class. Am I audible? Am I audible? Please reply, comment me. Am I visible? Am I audible? Then I'll start my class. Good evening. Good evening, everybody. Those who join the class, please tell me. Am I audible? क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? Good evening, बेटा. मेरी आवाज़ आपको आ रही है? I am fine. How are you? Let's start the class. Today my topic is national value enshrined in our Indian Constitution and its implication for our education. National values. यहाँ हम national values की बात कर रहे हैं. जैसे आप सभी लोग जानते हैं Independence Day आने वाला है. और इस दिन हम क्या हुए थे? 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे. We got the freedom. And but we are not a sovereign country. लेकिन सर्वप्रभुत्व नहीं थे. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया जो कम्प्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 एंड इट्स इम्प्लीकेटेड इन आवर इन कंट्री इन 26 जनवरी 1950. एज ऑल नो सभी जानते हैं. और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं. जो नेशनल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, जो सोशल फिलोसफी की बात कर रहे हैं, किस में दी गई है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में? हमारे प्रैम्बल में. प्रैम्बल में क्या प्रोवाइड किया गया है? हमारे नेशनल वैल्यूज़. और वो वैल्यूज़ क्या है? हर इंस्टीट्यूशन को लागू करने पड़ते हैं. और वो सभी, इवन हमारे एजुकेशन में भी ये चीज़ इंक्लूडेड है. राइट टू एजुकेशन इज आवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. वी ऑल नो इज अ फंडामेंटल राइट एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. थ्रू दैट देयर सम इज सोशलिस्टिक. देखिए आप पहले हम प्रैम्बल को समझते हैं. प्रैम्बल क्या है, इसमें क्या लिखा गया है? ठीक है, तो प्रैम्बल, द प्रैम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेड, क्या लिखा गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजोल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, देन लिबर्टी, liberty of thought, liberty of belief, liberty of faith and liberty of then equality. Equality of which? Equality of status, equality of opportunity and to promote among them all. Fraternity. Fraternity is bhai chara. Kisme? Assuring the dignity of individual value and the unity of the nation. In our constitution assembly, this 26th day of the November 1949 hereby adopted this constitution enact according to the constitution. Our constitution, we all know, is the largest constitution of the country. There are, agar hum baat kare iske andar kitne articles hain, 25 kitne articles hain, have you know about the articles, how many articles are there, how many what values we can get from this preamble? First of all, democratic, socialistic, secularism, justice, liberty, equality and fraternity. These are the national values that are enshrined in our preamble, in our Indian constitution. We get this national value after that. What provision provided us to implicate this value through our education in the country?
फर्स्ट है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। सबसे पहले हमारा आता है कि क्या एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज अ कॉन्करेंट लिस्ट। देर आर थ्री लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट लिस्ट इज रिलेटेड टू द सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट बोलते हैं जिसको हम, जिसके अंदर यूनियन फंक्शंस आते हैं। सेकेंड लिस्ट इज द स्टेट लिस्ट, जिसके अंदर स्टेट फंक्शन आते हैं। थर्ड इज द कॉन्करेंट लिस्ट, दिस इज अ शेयरिंग लिस्ट, बोथ ऑफ यूनियन एंड द स्टेट शेयरिंग देयर वर्क। तो आवर एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ द थर्ड लिस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा फ्री एंड कंपल्सरी का एजुकेशन किसमें दे रखा है, ये आर्टिकल नंबर 45। आपको आर्टिकल याद करने हैं, आर्टिकल नंबर 45 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। क्या कहते हैं, द स्टेट विल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन द पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कम्प्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इट शैल बी द डे ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग द लॉ। दिस इज द आर्टिकल नंबर 45। हमेशा ही क्वेश्चन आता है इन विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइडेड। दिस इज द आर्टिकल नंबर 45। नेक्स्ट आता है बेटा आर्टिकल नंबर 45 में और क्या क्या है। 2002 में पास हुआ था दैट टू फुलफिल दिस गोल ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट। किसमें हुआ था बेटा, वो 86 अमेंडमेंट एक्ट था, ये 2002 में पास किया गया था, जिसके अंदर अमेंडमेंट में क्या चेंज किया था आर्टिकल नंबर 45 में, प्रोविजन टू द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। द स्टेट एंडेवर टू प्रोवाइड द चाइल्ड केयर एंड द एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कम्प्लीट द एज ऑफ 6। नाउ आया आर्टिकल नंबर 21A, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल नंबर 21A, राइट टू एजुकेशन। द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स इन सच ए मैनर द स्टेट बाय द लॉ टू डिटरमाइन दिस फैसिलिटीज। नाउ आर्टिकल नंबर 51A, आर्टिकल नंबर 51A दैट प्रोवाइड क्लोज के दैट प्रोवाइड हैड बीन एडेड इन द 51 फंडामेंटल ड्यूटी। दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी 51A, सेड दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज द पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू दिस चिल्ड्रन टू इन केस देयर वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। ये पेरेंट्स के लिए क्या था, फंडामेंटल राइट था कि आपको अपने जो बच्चे हैं वो 6 to 14 है उनको कंपल्सरी स्कूल में भेजना है। अब नेक्स्ट आता है बेटा एजुकेशन फॉर द वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन की बात किसमें की गई है, पहला है आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है, द स्टेट शैल प्रमोट द स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड द इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल एंड द पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज इन सेक्शन नंबर 46 दैट प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू द SC/ST और माइनॉरिटी सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 15 स्टेटेड दैट द नथिंग इन दिस आर्टिकल क्लोज टू आर्टिकल नंबर 29 प्रिवेंट स्टेट मेकिंग द स्पेशल प्रोविजन। इसमें स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड द एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, सोशली एंड द एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। दिस इज गिवन इन द आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 15 का थर्ड पार्ट जो कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम द मेकिंग द स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल नंबर 15 ए रिलेटेड टू वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल नंबर 15 का वन पार्ट, द स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस कास्ट एंड सेक्स। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15(3) का कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड वुमेन एजुकेशन दैट विल बी द लिमिटेशन ऑन द स्टेट फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन एजुकेशन की बात की गई है 15 नंबर
आर्टिकल नंबर 15 3 का एक पार्ट और भी है, पार्ट ए पार्ट बी। बी पार्ट का कहता है नथिंग इज आर्टिकल प्रिवेंट फ्रॉम द स्टेट स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन दिस प्रोवाइड एजुकेशन ओनली फॉर द वुमेन्स एंड द वीकर सेक्शन और इन द डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शन। फॉर द हैंडीकैप और वीकर सेक्शन, जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है उनके लिए कौन सा है, आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल मीन्स दैट द इकोनॉमिकल कल्चरल डेवलपमेंट लैग बिहाइंड एंड आर्टिकल प्रोवाइड देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग दैम इक्वलाइज द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री टू दैट एंड स्पेशल असिस्टेंट टू द बैकवर्ड एरियाज ऑफ द स्टेट। इसी कौन से में आएगा बेटा, आर्टिकल नंबर 46 की बात की गई है। अब एजुकेशन फॉर माइनॉरिटी की बात की जाए कि माइनॉरिटी सेक्शन की एजुकेशन के बारे में गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजंस लाए हैं, वो प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 29 प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ओपन किए जाए। इसमें क्या आता है, इक्वल राइट ऑफ एडमिशन और इक्वल राइट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। फर्स्ट है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एनी पार्ट हैविंग द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड द कल्चर ऑफ हर इज ओन हैड कंजर्व द राइट ऑफ द सेम। सेकेंड है इक्वल राइट ऑफ एडमिशन आर्टिकल नंबर 29 टू नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट एंड रिसीविंग द एड फ्रॉम द स्टेट फंड्स एंड ग्राउंड ऑन द बेस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट लैंग्वेज एनी ऑफ देम नो डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड टू द एनी ऑफ द सिटीजन। आर्टिकल नंबर 30 की बात की जाए तो राइट ऑफ माइनॉरिटी, जिसके अंदर क्या है, ऑल द माइनॉरिटी वेदर इट इज द रिलीजन वेदर इट इज बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर देयर चॉइस। 29 में एडमिशन की बात की गई है तो 30 में आपके इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने की बात की गई है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। देन द स्टेट शैल बी नेक्स्ट है आपका, इसी के अंदर सेकेंड पार्ट है आर्टिकल नंबर 32-30 का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट टू ग्रांट इन एड ऑन द ग्राउंड, मतलब कि गवर्नमेंट को इक्वल एड देनी होगी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को भी जो कि रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पे बने हैं। देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग एनी अदर टाइप ऑफ फॉर फंडिंग द दिस इंस्टीट्यूशन। अब आती है एंग्लो इंडियन की कम्युनिटी की बात जो कि आर्टिकल नंबर 337 की बात की गई है, जिसमें प्रोवाइड द एड्स ग्रांट इन एड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज, जिसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को फंड देना इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने के लिए। आगे है रिगार्डिंग द हिंदी टंग या मदर टंग के बारे में या प्राइमरी स्टेज पर क्या इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, किस आर्टिकल में दी गई हैं, आर्टिकल नंबर 358 क्या कहता है, फैसिलिटी टू इंस्ट्रक्ट इन द मदर टंग इन द प्राइमरी स्टेज इज ले डाउन इट शैल बी एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट प्रोवाइड द एडिक्वेट फैसिलिटीज टू फॉर द इंस्टीट्यूशन इन द मदर टंग, अपनी मदर टंग में प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन पर चिल्ड्रन जो बिलोंग करते हैं उनको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के हैं उनको उन्हीं की लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड करना। प्रिसाइडिंग मैनी इशू डायरेक्शन ऑफ एनी स्टेट कंसिडर द नेसेसरी एंड प्रॉपर सिक्योरिंग द प्रोविजन ऑफ अफेयर्स फैसिलिटीज और उनको उनकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। फिर बात आती है आर्टिकल नंबर 350B, पहले 50A की बात की है, 50B भी क्या कहता है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के जो स्पेशल ऑफिसर्स हैं अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर्स किसके अपॉइंटमेंट करना स्पेशल किसके लिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल द मैटर सेफ गार्ड्स फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो बच्चे लैंग्वेज माइनॉरिटी के उनके लिंग्विस्टिक ऑफिस उसी लैंग्वेज के ऑफिसर्स प्रोवाइड करना ताकि वो क्या कर सकें उनको उनके सेफ गार्ड बन सकें। अब बात आते हैं स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, जिसके अंदर आता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 351 इन इट इज़ अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर टू डेवलप द नेशनल लैंग्वेज ऑफ हिंदी एज इट सर्व द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन कल्चर ऑफ इंडिया इन दिस रिकार्ड प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी प्रिपरेशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर लिटरेचर इन हिंदी प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज एडिशन ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी वर्क एंड सुटेबल शॉर्ट हैंड नोटेशन इन हिंदी डिजिग्नेशन कीवर्ड्स हिंदी टाइप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ स्टैंडर्ड वर्क इन द वेरियस अकेडमिक एंड साइंटिफिक वर्क इन द लैंग्वेज ऑफ
हिंदी एंड प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन वेरियस स्टेप. फर्स्ट क्या स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टडी ऑफ हिंदी एंड सेकंड द फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइड टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू लर्न हिंदी एंड असिस्टेंस इज प्रोवाइड टू नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेटेज टू प्रोपगेट द हिंदी. तो फिफ्थ प्रोविजन हमारा रिलीजन, जिसमें आप रिलीजन सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि सेकुलरिज्म कहाँ आता है. तो देखिए आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 25 क्या प्रोपगेट करता है, राइट टू प्रोपगेट रिलीजन. आर्टिकल नंबर 25(1) का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें गारंटी ऑफ ऑल द सिटीजन टू राइट टू फ्रीडम एज टू अटेंड द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रक्शंस. आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है, फ्रीडम, फ्रीडम किससे, फ्रीडम एज टू अटेंड द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड रिलीजियस वर्शिप टू अटेंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. मीन्स दैट कि आप जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो इक्वल राइट टू ईच एंड एवरी रिलीजन, देर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग द इक्वल, ईच एंड एवरी रिलीजन हैज़ इक्वल राइट. तो उसमें इंस्टीट्यूशन की बात आती है तो किसमें आती है, आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है कि एवरी इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलीजन हैव देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वोली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड. आर्टिकल नंबर 28 के सेकंड पार्ट की बात करें, नोटिंग इन द क्लॉज 1 शैल बी अप्लाइड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट बट हैज बीन एस्टेब्लिश अंडर द एंडाउमेंट ऑफ ट्रस्ट बाय विच रिक्वायर द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन. मतलब जिस रिलीजन ने इसको इंस्टीट्यूट किया है वो इसके जो फंडेड स्टेट कर रही है उसके उसका जो फंड है वो कहाँ देगा, स्टेट से आएगा और अपने रिलीजन एजुकेशन वो प्रोवाइड कर सकते हैं. आर्टिकल नंबर 28 सेकंड क्या कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट हैज बीन एस्टेब्लिश अंडर एन एंडाउमेंट ट्रस्ट रिक्वायर द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन. और आर्टिकल नंबर 28(3) की बात करें, वन की बात क्या करे थे, वन में हमने क्या था, नो रिलीजन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड शैल बी प्रोवाइडेड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें कोई रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिलीजन इम्पार्टेड नहीं की जाएगी एजुकेशन. लेकिन सेकंड में 28 के सेकंड पार्ट में कहा गया कि जो रिलीजन इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं स्टेट फंड के द्वारा वो रिलीजन की अपनी एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं. और 28(3) क्या कहता है, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट एंड रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट फंड रिक्वायर टेक पार्ट इन द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दैट मे बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन टू अटेंड एनी रिलीजियस वर्शिप दैट कंडक्टेड इन द इंस्टीट्यूशन प्रमिसेस अटैच विद द अनलेस सच पर्सन इज मैन्योर एंड हिज गार्डियन हैज विज कंसेंट बी प्रोवाइडेड देयर टू. मीन्स दैट अगर किसी और रिलीजन का पर्सन किसी और कंस्टिट्यूशन में पढ़ता है तो उसको आप तब तक रिलीजन की एजुकेशन नहीं प्रोवाइड, तब तक आपकी पेरेंट्स कंसेंट प्रोवाइड नहीं की जाती. ये है आर्टिकल नंबर 28(3). इसके अंदर सेकुलरिज्म की बात की गई है. अब हम इसको रिवाइज करें तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किसके अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 45. राइट टू एजुकेशन किसके अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल 21A. फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जाए प्रोवाइड फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन वो किसमें आता है, हर पेरेंट्स को शुड बी कंपलसरी टू सेंड देयर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर इन द स्कूल वो है 51A. अगर हम बात करें एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन की बात की गई है, अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो वो 46 भी है, आर्टिकल नंबर 46 और आर्टिकल नंबर 15 का सेकंड पार्ट. और एजुकेशन फॉर वुमेंस की बात किसमें की गई है, 51 का 1, आर्टिकल नंबर 15(1), आर्टिकल 15(2), आर्टिकल नंबर 15(3) और आर्टिकल नंबर 16(1). अगर एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड की बात की जाए तो वह आर्टिकल नंबर 46 और एजुकेशन फॉर माइनॉरिटी की बात की जाए वह आर्टिकल नंबर 29 एंड 30. किसके लिए था, एडमिशन और अटेंडेंस के लिए था और आर्टिकल नंबर 30 किसके लिए था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वीकर सेक्शन माइनॉरिटी सेक्शन इंस्टीट्यूशन क्या करना, एस्टेब्लिश करना. और एंग्लो इंडियन की बात किसमें की गई है, 337 में और इंस्ट्रक्शन फॉर द मदर टंग इसमें कहा गया है, आर्टिकल नंबर 350 में कहा गया है. अगर हम स्प्रेड ऑफ हिंदी की बात करें वो किसमें था, आर्टिकल नंबर 351. अभी हमने क्या किया, रिलीजियस एजुकेशन जिसमें सेकुलरिज्म की बात की गई है वो किसमें है, आर्टिकल नंबर 25 एंड 28. अगर हम सेकुलर एजुकेशन की बात करें तो हम चार आर्टिकल ले सकते हैं, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 26 एंड आर्टिकल नंबर 30. हायर एजुकेशन एंड रिसर्च की बात की गई है वो आपकी आती है एंट्री नंबर 64. अभी बात करेंगे हम ये जो तीन लिस्ट मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, उस तीन लिस्ट के सब पार्ट्स है एंट्री नंबर 63, 64, 65, 66 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ वन.
अभी हम इसकी बात करते हैं, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म, ठीक है। आर्टिकल नंबर 25, अभी मैंने बताया चार आर्टिकल आते हैं, 25, 26, 30 और 15। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म की बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली कंसीड एवरी इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस बट आल्सो द राइट टू प्रोपगेट हिज आइडिया फॉर एजुकेशन ऑफ अदर। आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है, गारंटी टू दीज राइट्स फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड एंटेल्स फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मैनेज देयर अफेयर एक्वायर मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेशन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। आगे आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है, व्हेन फ्रीडम ऑफ फेथ इज अलाउड एवरी पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन वन कैन नॉट फॉरबेड द रिलीजियन इंस्टीट्यूशन इन स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय द रिलीजियस डेमोस्ट्रेशन। अब आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ एनी ऑफ देम विल बी अवॉइडेड। मतलब 15 क्या करता है, सिक्योर करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है। अब यूनियन लिस्ट आपको मैंने बताई थी, लिस्ट नंबर 1 वह यूनियन लिस्ट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, उसका एक पार्ट नंबर एंट्री नंबर 12 देखते हैं। इन द 7th शेड्यूल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दैट यूनियन विल बी विद हैव रिलेशन विद द फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज यूनेस्को सेड। इसमें क्या था, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात की गई, कोलैबोरेशन की बात की गई है। एंट्री नंबर 10 फॉरेन अफेयर्स की बात की गई है, जिसके अंदर जो कुछ एजुकेशनल असिस्टेंस है फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज और कोऑपरेटिव स्कीम्स आर आल्सो प्रोवाइडेड इन द प्रोवाइडेड टू द फाउंडेड मेंबर। मतलब 1946 में यूनेस्को की फाउंडेशन हुई थी, तब ये पार्टिसिपेट किया गया था और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की गई थी साइंस एजुकेशन के लेवल पर, साइंस और कल्चर के लेवल पर, और असिस्टेंस प्रोवाइड की गई थी इंडिया को। सम प्रोग्राम्स आर टू बी हेल्ड ऑन द इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस सेक्शंस। जिसमें अगर आप बात करें, ये कब की बात है, 1946 की बात है। अब हम बात करें एजुकेशन फॉर एजुकेशन इज विच सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट और बोथ, सॉरी अगर हम बात करें एजुकेशन बोथ यूनियन और स्टेट सब्जेक्ट, तो अगर हम इसमें आपके तीन क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है किस अमेंडमेंट के द्वारा इसको चेंज किया, पहले क्या था, पहले हमारा एजुकेशन यूनियन का सब्जेक्ट था। मतलब अकॉर्डिंग टू द एंट्री नंबर 11 लिस्ट ऑफ 242 अमेंडमेंट एक्ट एज एजुकेशन वॉज मेड द स्टेट सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू एंट्री नंबर 11 लिस्ट 2 7th शेड्यूल ऑफ इंस्टीट्यूशन द एंट्री नंबर 11 रीड एजुकेशन इंक्लूडेड यूनिवर्सिटीज सब्जेक्ट टू बी प्रोविजन ऑफ एंट्री नंबर 63, 64, 65 एंड 66 द लिस्ट ऑफ 1 एंड 25 लिस्ट ऑफ 3। फ्रॉम 1921 एक्चुअली फोन पे बेल आ रही है बार बार, सॉरी इफ एनी प्रोवाइड एनी प्रॉब्लम, आर यू ऑडिबल, प्लीज रिप्लाई मी, क्या मेरी आवाज आ रही है, एम आई विजिबल, कोई कमेंट नहीं है, क्या मैं मेरी आवाज़ आ रही है आपको, एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेट अस स्टार्ट। फ्रॉम 1921 टू 1976 एजुकेशन हैज़ बीन अ स्टेट सब्जेक्ट इन आवर कंट्री। अगर 1921 से लेकर 1976 एम आई ऑडिबल, प्लीज रिप्लाई, क्या मेरी आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल, गुड इवनिंग, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, प्लीज रिप्लाई, एम आई ऑडिबल, आपको आवाज आ रही है मेरी। फ्रॉम अगर हम बात करें 1921 से लेकर 1976 तक एजुकेशन क्या था, यूनियन लिस्ट सॉरी स्टेट लिस्ट 2 का पार्ट हुआ करता था। सारा कंट्रोल किसके पास था, स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर के हाथ में हुआ करता था और ये डायरेक्ट कंट्रोल था। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज नॉट डेविएटेड
फ्रॉम देयर पैटर्न व्हाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड जनरल पॉलिसीज एंड गेव इंस्ट्रक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसीज एंड प्रोवाइड द एजुकेशन टू ऑल द पर्सन इन द सेम सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टेट हैज अंडर प्रोवाइडेड एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइडिंग सेकेंडरी हायर एजुकेशन कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑपरेटिंग द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग द एडल्ट एंड सोशल एजुकेशन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द इंस्टीट्यूशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कमीशंस एंड कमेटीज अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरवाइजरी फॉर ऑल द स्टाफ प्रोवाइडिंग द करिकुलम एंड सिलेबस एंड होल्डिंग द एग्जामिनेशन द स्टेट ऑल्सो डिस्चार्ज educational function through the voluntary organizations and local bodies by giving them grant in aid prescribing rule for grant in aid controlling their activities but now after 42nd 42nd amendment ke baad education included in the concurrent list in the list number 3 किसके अंदर है वो दोनों के अंदर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एंड द सेंटर इसमें कोई भी मेन पार्ट नहीं है सब दोनों क्या है इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करेंगे उसमें 42वें के कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के संशोधन के द्वारा 42वें संशोधन के द्वारा हमारे इस एजुकेशन को किसका पार्ट बनाएगा आफ्टर 1976 इसको लिस्ट 3 जो कि कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं तो अब ये तो हो गया आपका एजुकेशन किसका पार्ट है आपका कॉन्करेंट लिस्ट का और सेकंड आपका नाइन्थ आपका हायर एजुकेशन एंड रिसर्च की बात की जाए तो हम पार्लियामेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉ टू रिस्पेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड यूनियन एजेंसीज मेंशन इन द एंट्री नंबर 63 64 65 एंड 66 ऑफ लिस्ट नंबर 1 यानी यूनियन लिस्ट सेंट्रल लिस्ट की आपको आपकी जो एंट्री नंबर 63 क्या कहती है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस द इंस्टीट्यूशंस नोन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एनी अदर इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इनको नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया था एंट्री नंबर 64 ऑफ लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट क्या कहती है इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंटिफिक एंड द टेक्निकल एजुकेशन इसमें क्या इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुली और इन पार्ट डिक्लेयर बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इसमें इन इंस्टीट्यूशन को नेशनल इंपॉर्टेंस दी गई थी आगे क्या था एंट्री नंबर 65 लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट जिसमें यूनियन एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन की बात की गई है दिस कैरी लिस्ट 65 लिस्ट रीड एज द यूनियन एजेंसीज ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग एंड इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स द प्रमोशन ऑफ स्पेशल स्टडीज और रिसर्च साइंटिफिक टू और टेक्निकल असिस्टेंस इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिटेक्टिंग द क्राइम्स दिस ऑल द इंस्टीट्यूशन कम इन अंडर द सेंट्रलिस्ट और द सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्री नंबर 66 लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द एंट्री नंबर 66 द कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन और रिसर्च एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन दिस एंट्री वाइटल इंपॉर्टेंट एट इट रेस्ट ऑन द यूनियन एजुकेशन ऑल्सो लोअर्ड एट द हैंड ऑफ एनी स्टेट एंड डिटरमाइन द नेशनल इंटरेस्ट अगर हम बात करें नेशनल एंड कल्चरल रिलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज से बात करें तो ये एंट्री नंबर 13 में आता है लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट में आता है पार्टिसिपेशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस associations and any body implementation of decisions made there at Indian Education Commissions had interpreted this provision as a government of India responsibility for maintaining the educational and the cultural relationship other countries participating in the work of UN special agencies especially in UNESCO these all are the in the part of the state central government or union list education for the union territory but means that hamari 7 union territory hai Chandigarh Delhi of state ho gaya uske baad Dadra Nagar Haveli आपका अंडेमान निकोबार फॉर दिस नेशनल यूनियन टेरिटरी के लिए क्या है आर्टिकल नंबर 339 क्या कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ लॉ एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग टू सच एक्सटेंट टू थिंक फिट थ्रू आउट एन एजुकेशन टू अपॉइंट बाय हिम सच डेजिग्नेशन एज ही इज स्पेसिफाइड नेचुरली देयरफॉर
एजुकेशन इन द यूनियन टेरेटरी कम्स अंडर द प्रिव्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. दस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन इन द यूनियन टेरेटरी. मतलब आपकी यूनियन टेरेटरी की एजुकेशन जितने इंस्टीट्यूशन हैं सब किसके अंडर आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंस्टीट्यूशन. इकोनॉमिकल एंड सोशल प्लानिंग की बात की गई है, वो किसके में की गई है, द एंट्री नंबर 20 है, जो लिस्ट नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, जिसमें कहा गया है इकोनॉमिकल एंड सोशल प्लानिंग विच इज कॉन्करेंट रिस्पॉन्सिबल. एंट्री नंबर 20 रीड एज इकोनॉमिकल एंड सोशल प्लानिंग एज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द एजुकेशन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव टू वर्क जॉइंटली इन प्रिपेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नेशनल प्लान फॉर द एजुकेशन. आगे बात करेंगे वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ द लेबर. वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ द लेबर की बात करेंगे तो उसमें क्या आता है, एजुकेशन फॉर द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट हैव बीन मेक लॉ. इसको कैसे रीड करेंगे, वोकेशनल एंड द टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ द लेबर इंस्टीट्यूशन आर कम अंडर द सेंट्रल लिस्ट. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इनको इम्प्लीमेंट करेगी. अब एजुकेशन एज ए कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया. इसके बाद हमारा आएगा सोशल एंड इकोनॉमिकल डिप्राइव्ड सेक्शन में सोसाइटी में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं. एससी एसटी के लिए हम आर्टिकल नंबर 15 पढ़ेंगे, एजुकेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ. इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, देर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग ऑन एनी ग्राउंड टू द एनी पर्सन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया रिलीजन रेस कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ देम. नो सिटीजन, उसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, नो सिटीजन शैल बी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस पार्ट कैन बी बी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू एनी डिसबिलिटी लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन रिगार्डिंग टू एक्सेस द शॉप पब्लिक रेस्टोरेंट होटल प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट. और बी पार्ट क्या कहता है इसका, वेल टैंक्स घाट्स रोड्स प्लेसेस पब्लिक प्लेसेस एंड वोली आल इन द पार्ट ऑफ द थर्ड बी पार्ट. एंड अगर आप 15 के थर्ड पार्ट की बात करें वो क्या कहता है कि स्टेट शुड प्रोवाइड द प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. यानी कि अगर हम आर्टिकल नंबर 15 के थर्ड की पार्ट करें तो वो आपका किससे रिलेटेड है, वुमेन से और चिल्ड्रन से. और वन की बात करें वो किसका इससे रिलेटेड है, आपका एजुकेशन के एससी एसटी की एजुकेशन से रिलेटेड है. तो आपको इसका मीनिंग क्या है कि हमारे नेशनल वैल्यू मीन्स जस्टिस की बात की गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, सब किस में आ रहा है, हमारे आर्टिकल्स में जो नेशनल वैल्यूज दी गई हैं वो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी इम्प्लीमेंटेड है. आर्टिकल नंबर 46 प्रोविजन फॉर नेशनल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटीज वीकर सेक्शन. 46 क्या कहता है, 46 प्रोवाइड द फेडरल रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. और आर्टिकल नंबर 46 एक स्टेट क्या करता था कि द स्पेशल केयर द एजुकेशनल इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ पीपल and particularly scheduled caste scheduled tribe shall be protected them from the social injustice and the form of exploitation. It is a directive principle of state policies. Article number 338 this shall be special officer for minorities right appointed by the president of India. Second part here, article number 338 second part kya kehta hai, it shall be duty of the special officers to investigate all the matters related to the safeguard provided the scheduled caste scheduled tribe under the constitution of report president upon the working of the safeguard of the minority sections that is appointed by the president as directed and may be reported to the president in the house of the पार्लियामेंट रिगार्डिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन. आर्टिकल नंबर 338 का थर्ड पार्ट क्या कहता है आपको, थर्ड पार्ट कहता है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज इंक्लूडेड रेफरेंस टू देयर बैकवर्ड क्लास एज प्रेजिडेंट मे रिसिप्ट एंड रिपोर्ट ऑफ द कमीशन अपॉइंटेड द क्लोज नंबर 1 आर्टिकल नंबर 340 ऑर्डर स्पेसिफाई अलॉन्ग विद द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. यहाँ पर इसमें आर्टिकल नंबर 340 किसके लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, 333 किसके लिए है, 339 किसके लिए, 338 किसके लिए है, एस सी एस टी के स्पेशल ऑफिसर्स के लिए, 339 किसके लिए स्पेशल ऑफिसर के लिए, 339 किसके 39 किसके लिए है, एंग्लो इंडियंस के लिए. एंग्लो इंडियन अब 340 की बात करते हैं, 340 की बात करते हैं, 38 हो गया, 39 एंड 40 की बात करते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन, प्रेसिडेंट में भी ऑर्डर
अपॉइंट ए कमीशन कंसिस्टिंग सच ए पर्सन एज ए थिंक टू फिट एंड इन्वेस्टिगेट द कंडीशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द डिफिकल्टीज अंडर विच द लेबर टू मेक द रिकमेंडेशन एज द स्टेप that should be taken by the union or any government removed from the difficulties and improve their conditions as to grant and that should be made purpose for union and state government conditions to subject them to such grant commission shall be defined the procedure of following the commissions means that ki aapko ek jo ek officer appoint karna hai investigation officer appoint karna hai jo aapko report karega jo educationally deprived hai unko kis tarah se aid provide karke एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. ए कमीशन अपॉइंट शैल बी इन्वेस्टिगेट द मैटर रेफर टू दैम प्रेजेंटेड टू दैम प्रेजिडेंट रिपोर्टेड रिपोर्ट सेटिंग इफेक्ट दैट द इफेक्ट फाउंड बाय दैम एंड मेकिंग दैम रिकमेंडेशन बाय द थिंक प्रॉपरली. ये तो हो गई आपके अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एजुकेशनली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स. अब आएगा एजुकेशन फॉर द हैंडीकैप डिसेबल पर्सन्स की किस तरह से एजुकेशन प्रोविजन दिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में. द हैंडीकैप चिल्ड्रन आर द वीकर सेक्शन सोशली डिप्राइव पीपल दे आर एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इम्प्रूवमेंट हैव देन बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. आर्टिकल नंबर 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये ऑलरेडी स्टेटेड मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी बिहाफ पर उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. तो वो 46 में क्या था प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन की बात की गई है. अब माइनॉरिटी की बात हो गई वीकर सेक्शंस की बात हो गई वुमेन्स की बात किस में आई थी 15(1) में आई थी. और आपके जो जितने भी आर्टिकल्स दे रखे हैं दिस ऑल आर प्रोवाइड द नेशनल वैल्यूज. नेशनल वैल्यू कौन सी हैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक सेकुलरिज्म फ्रीडम लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस दिस ऑल द थिंग्स आर प्रोवाइडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस. तो मेरे हिसाब से मैंने जो आपको आर्टिकल्स बताए हैं क्वेश्चन आपका आर्टिकल से रिलेटेड ही आएगा कि आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग्स आपके कौन से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए कौन सा आर्टिकल्स है. अगर आप चाहते हैं मैं रिवाइज करवा दूँ तो लेट्स रिवाइज अगेन कि हमारे लिए कौन कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट है किस किस पर्पज़ के लिए. ठीक है फर्स्ट आर्टिकल हमारा आता है फर्स्ट हम जब शुरू से हम एक बार रिवाइज करते हैं सारा का सारा. अब आप मुझे आंसर देंगे मैं सिर्फ क्वेश्चन करूँगी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन विच आर्टिकल आर्टिकल नंबर प्लीज़ गिव द रिप्लाई 45 राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21 ए फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल नंबर 51 ए. अगर हम बात करें वीकर सेक्शंस की शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप किसमें आता है आर्टिकल नंबर 46 और आर्टिकल नंबर 50 का सेकेंड पार्ट. एजुकेशन वीमेन की बात करें तो आपका आर्टिकल नंबर 51 का वन पार्ट और थर्ड पार्ट ऐसे नहीं आर्टिकल नंबर 16 का वन पार्ट. अगर हम बात करें हैंडीकैप चिल्ड्रन तो 46 आएगा वीकर सेक्शन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और आपके हैंडीकैप के लिए आर्टिकल नंबर 46 कॉमन है सबके लिए. अगर हम बात करें माइनॉरिटीज़ की वो आएगा आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 एजुकेशन फॉर एंग्लो इंडियन 337 और 338 और एजुकेशन फॉर द अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन मदर टंग की 350 स्प्रेड ऑफ हिंदी की बात करें तो इसमें का 351 एंड रिलीजियस ऑफ एजुकेशन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 25 एंड 28 इसमें रिलीजियस के अकॉर्डिंग आप ए वन पार्ट और बी पार्ट है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं इंस्टीट्यूशन में और दूसरा क्या है कोई डिस्क्रिमिनेशन न्यू रिलेशन की रिलीजन के बेस पर और आपको इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट. नेक्स्ट है आपका सेकुलर एजुकेशन. सेकुलर एजुकेशन किसमें आएगा आर्टिकल नंबर 15 आर्टिकल नंबर 25 आर्टिकल नंबर 26 एंड आर्टिकल नंबर 30. अगर हम बात करें एजुकेशन इन यूनियन टेरिटरी 239 यूनियन टेरिटरी किसके अंडर आती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है. हायर एजुकेशन एंड रिसर्च किसके अंदर आया था अभी बताया था मैंने आपको एंट्री नंबर 63 64 65 66 इन द यूनियन लिस्ट 1 में आएगा. अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की जाए और एजुकेशन की बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 45 की बात आती है जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात आती है. आई होप यू क्लियर ऑल द फैक्ट्स. एम आई ऑडिबल किसी ने रिप्लाई नहीं दिया कि मैं आपके कम्युनिकेट
क्लियर है? एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई, एम आई ऑडिबल? माई कनेक्शन इज राइट और नॉट, प्लीज रिप्लाई मी। हैव यू एनी प्रॉब्लम टिल दैट? किसी को प्रॉब्लम है अब तक जितना मैंने टीच किया? प्लीज रिप्लाई, क्या ऑडिबल है ये सब? मैं ऑडिबल? आपको मेरी आवाज आ रही है? आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, विच आर्टिकल रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ वैल्यूज। Hope you understand. Stay blessed. Have any problem? Please comment me. Thanks a lot.